प्रदेश में एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। सारण के छपरा शहर के महमूद चौक के पास कूड़े के ढेर पर एक बच्चे की लाश मिली है। लाश को कुत्ते नोच रहे थे। इस मासूम बच्चे को यहाँ कौन और कब फेंक गया, इसका कोई पता नहीं चला। कुत्तों द्वारा बच्चे को नोचता देख एक व्यक्ति ने शोर मचाया, जिसे सुन भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं आनन फानन में घटना की सूचना पुलिस को दी गई और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मासूम के शत विशत शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि आवारा कुत्ते बच्चों को नोचते हुए सिनेमा हॉल से कूड़े के ढेर तक लाए, जिसे देख लोगों ने कुत्तों को भगाया। इस दर्दनाक मंजर को देख सभी का दिल दहल गया। बस यहाँ पे कोई व्यक्ति आया पेशाब करने के लिए, तो अभी 12 बजे के समथिंग 12 बजे करीब में कुत्ता लाश को घसीटते हुए लेके आया था यहाँ पर, खा रहा था। तो वही आदमी देखा, वही बोला कि मतलब चिल्लाया वो ज़्यादा जोर से, तो हम लोग वही चूटे तो कुत्ते को भगाए और पुलिस कंप्लेन में थी। पुलिस आई थी, अभी देखी के लिए लाश जाएगा। पब्लिक ने बोला कि यहाँ काटून में पड़ा था इस गली में, अच्छा वहाँ पे कुत्ता उत्ता घींच के लाया था यहाँ तक, हम लोग को सूचना मिला, फिर हम लोग आके देखे तो उसको सब कागज पत्र बन रही है और पोस्टमार्टम के लिए। क्या लगा, क्या किस तरह का बच्चा लगा? अरे बच्चा तो लग रहा है, बच्चा हुआ है, कोई ऐसे फेंक दिया है, नजायज बच्चा जैसा भी जाएगा। मरा हुआ? हाँ मरा हुआ। एक तरफ पूरे देश में नवरात्रि के अवसर पर कन्या पूजन किया जा रहा है, दूसरी ओर अज्ञात दरिंदों ने जानवरों की भूख मिटाने के लिए मासूम बच्ची को कूड़े के ढेर में फेंक दिया। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए छपरा से रंजीत की रिपोर्ट।